इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या आप लोगों ने कभी ये पिक्चर देखा है? जी हाँ, ये पिक्चर हमारे पर्गेटरी मैप में अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों ने कभी इसको नहीं देखा होगा। एंड ये बात जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे कि जहाँ पे ये पिक्चर है वहाँ पे बहुत ही कम बंदे उधर जाते हैं। अगर आप लोग एक घर से गुजर रहे हो एंड उसी घर के पास में आप लोगों को एक उल्फ दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना हो, तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ, आप लोग रोज उस घर से गुजरते हो एंड कभी भी आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि उस घर में एक बहुत ही ज्यादा डरावना सा उल्फ है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड गाइस, क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर के अंदर बहुत पहले एक इंक्यूबेटर आया था, लेकिन उस इंक्यूबेटर को गाइस 2 दिन के बाद ही हटा दिया गया है गेम से। लेकिन हाँ, उस इंक्यूबेटर को फिर से 1 हफ्ते के बाद गेम में वापस से दे दिया। तो क्या आपको पता है वो कौन सा इंक्यूबेटर था एंड एक्चुअली में ये हुआ क्यों, करीना वालों ने क्यों एक्चुअली उस इंक्यूबेटर को हटा दिया एंड फिर से उसको वापस गेम में डाल दिया? तो ऐसे मिस्ट्रियस चीजें के ऊपर हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना एंड भयानक है। एंड गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं है इन सब के बारे में। एंड हाँ, ये हमारा एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारे 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो गाइस हमारे चैनल पे जाना, आप लोग रिसेंटली 3 वीडियोस को चेक करना, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे बंदे मेरे वीडियोस को देखते हो, लेकिन गाइस यहाँ पे अभी भी बहुत सारे बंदों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई लोग, जो भी बंदा देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हम लोग 500 के फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो गाइस करा दो 500 के इसी ये वीडियो डालने के बाद, यार करा दो। फैक्ट नंबर 8, पूरे बरमुडा मैप में आप लोगों को सिर्फ ऐसे 2 ही जगह पे ब्रोकन हाउस देखने के लिए मिलेगा। एक तो हो गया पीक एंड दूसरा है रिमनाम विलेज। सेम हाउस आप लोगों को दोनों जगह देखने के लिए मिलेगा। एंड हां गाइस, ये सिर्फ दोनों जगह ही अवेलेबल है, ना ही गाइस और भी जगह ये ब्रोकन हाउस कहीं पे भी अवेलेबल आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड हां, ये मेरे एक सब्सक्राइबर नहीं मेरे को बताया था। फैक्ट नंबर 7, जिस जगह पे मैं आया हूँ इस जगह पे आप लोग आना है गाइस, इस जगह पे सुनना कि इस जगह पे गाइस आप लोगों को वाटर का साउंड सुनने के लिए मिलेगा। अगर आप वाटर पे नहीं भी जाते, मतलब गाइस पानी में नहीं भी जाते, फिर भी आप लोगों को वाटर का साउंड सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइस आप लोग थोड़ा सा अगर इधर आगे आते हो तो आप लोगों को ये जो पानी का साउंड है गाइस सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो गाइस ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है, मतलब थोड़ा सा मिस्ट्रियस चीज़ है कि एक्चुअली में ये क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को इधर कोई भी पानी का साउंड सुनने के लिए नहीं मिलता, लेकिन गाइस अगर आप लोग थोड़ा उधर जाते हो उधर आप लोगों को मतलब बहुत सारा पानी का साउंड सुनने के लिए मिलता है। तो गाइस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड ये पानी का साउंड इधर आप लोगों को सुनने के लिए मिलता है एंड उधर आप लोगों को सुनने के लिए क्यों नहीं मिलता गाइस, अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है बरमुडा मैप को आप लोग लॉबी में ही देख सकते हो? जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, बरमुडा मैप को आप लोग लॉबी में ही देख सकते हो। एक्चुअली गाइस आप लोगों को आना है लॉबी में। लॉबी में आने के बाद आप लोगों को गाइस जो आपका स्क्रीन है ये एकदम ऊपर की तरफ कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग ऊपर देख सकते हो, ये एक बरमुडा मैप की तरह दिख रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड हाँ गाइस, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ही बताया गया है। तो इधर गाइस देख सकते हो गाइस, कभी आपने नोटिस किया होगा कि मतलब ऊपर में कोई मैप होगा जैसा, गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरे बरमुडा मैप जैसा आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बट हाँ गाइस, ये मैप उल्टा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो इधर, एंड देखने में भी अजीब टाइप का लग रहा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है बहुत पहले एक इंक्यूबेटर आया था जिस इंक्यूबेटर का नाम था मिस्टिकल मास्टर्स, एंड वो इंक्यूबेटर सिर्फ इंक्यूबेटर रॉयल में 2 दिन ही रहा था एंड उसके बाद वो गेम से हटा दिया गया था। बट कुछ दिन के बाद वो फिर से वही इंक्यूबेटर रॉयल में उसको ऐड कर दिया। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों गरीना वालों ने किया एक्चुअली। तो ये जान के आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि गाइस जो उसका इंक्यूबेटर का टॉप बंडल था, उसके चेस्ट में एक ओम सिंबल बना हुआ था जो कि गाइस एक हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसी वजह से गरीना वालों ने उसको हटा दिया गया था। एंड हाँ, इसके बीच बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो चुका था पास्ट में। तो आप लोगों को ये बात पता था कि नहीं मेरे को नीचे कमेंट में जरूर से बताना। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, एक लाइक गाइस आप लोगों का बहुत कुछ हमारा हेल्प कर सकता है। तो गाइस एक लाइक करते हुए जाना बिल्कुल फ्री, वाला लाइक का बटन गाइस दबा देना। एंड हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस फॉलो भी कर लेना @swamofficial, नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, आपको गाइस पर्गेटरी मैप में जिस जगह पे मैं हूँ आप लोगों को इसी जगह पे आना है। इस जगह पे आने के बाद गाइस आप लोग इधर देख सकते हो 2 चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक तो हो गया गाइस ये पेंटिंग जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तो गाइस पता नहीं मेरे को ये किस चीज का पेंटिंग है, हो सकता है गाइस ये जो पर्गेटरी में फील्ड है उसका पेंटिंग हो। बट गाइस थोड़ा सा अजीब देखने के लिए हम लोगों को लग रहा है इधर। एंड गाइस इधर आप लोग अगर आते हो इधर गाइस आप लोगों को कुछ और ही देखने के लिए मिलता है, मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एंड गाइस ऊपर से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि गाइस मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा, मतलब गाइस ढंग से विजिबल नहीं हो रहा ये चीज। तो गाइस आप लोग इधर जरूर से आना है, आप लोग पता करना कि एक्चुअली में चीज लिखा क्या है। गाइस इधर मतलब 2 वर्ड मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ढंग से, लेकिन गाइस आप लोग आना है, गाइस मेरे को पढ़ के बताना कि एक्चुअली में चीज है
किया है गाइस, ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है, मतलब क्या बताना चाहता है। तो गाइस ये चीज बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रियस लगा मेरे को, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आप लोगों का जान के कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट में जरूर से बताना है गाइस। ये बात आप लोगों को पहले से पता था कि नहीं मेरे को ये भी बता देना। फैक्ट नंबर 3, बरमुडा में जितने भी गाइस यहां पे घर है, वेयर हाउस है, आप लोगों को इस हाउस में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को इधर गाइस वॉल पे आप लोग देख पाओगे बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रियस एक चीज, जो कि गाइस ये एक वुल्फ जैसा लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो भाई, देखो इधर क्या है, मतलब ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा डरावना लगा। ये चीज देख सकते हो आप लोग, मतलब एक क्या बना हुआ है गाइस, कुछ स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है, वुल्फ जैसा या वुल्फ जैसा गाइस जो भी हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक मिस्ट्रियस जैसा, मतलब डरावना जैसा चीज लग रहा है इधर। तो क्या गाइस आप लोगों ने कभी इसे नोटिस किया है? आप लोग रोज गाइस इसी वॉल से गुजर जाते हो, लेकिन आप लोगों को पता तक नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ मिस्ट्रियस चीजें छुपा हुआ है, जो कि गाइस देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है इधर। एंड गाइस कहीं पे भी अगर बरमुडा मैप में आप लोग इसी तरीके के घर के पास जाते हो, तो आप लोगों को वॉल में ये चीज देखने के लिए मिलेगा हमेशा, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा एक मिस्ट्रियस मेरे को लग रहा है चीजें गाइस। मतलब इधर देखो गाइस आप लोग, नीचे भी एक बना हुआ है, ऊपर भी एक बना हुआ है, देख सकते हो गाइस ये एक नीचे है एंड गाइस ऊपर भी एक चीज बना हुआ है, जो कि गाइस पता नहीं चल रहा है एक्चुअली में है क्या ये दोनों चीज। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हाँ, ये मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ही बताया गया था। तो गाइस अगर आप लोगों को कुछ मिस्ट्रियस चीजें बताए फ्री फायर के बारे में तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं अपने वीडियो में वो चीज कवर कर दूंगा आपके नाम के साथ। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों का इधर प्लांटेशन में आ जाना है एंड उसके बाद आप लोगों को ये गैरेज जो दिख रहा है गाइस इधर आ जाना है एंड इधर गाइस आप लोगों को कुछ अद्भुत चीजें देखने के लिए मिलेगा, जो कि गाइस ये चीज आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ही बताया गया था। तो गाइस इधर देख सकते हो आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वॉल के हर एक साइड में बना, इधर भी आप लोग देख सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रियस है कि मतलब एक्चुअली में ये चीज है क्या, फॉक्स जैसा चीज लग रहा है, लेकिन गाइस एक्चुअली में बता भी नहीं सकता कि फॉक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मतलब हर एक वॉल साइड बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब गाइस यहाँ पे मिस्ट्रियस है। एक और मिस्ट्रियस चीज देखने के लिए मिलता है कि गाइस ये जो है गाइस ये इस साइड फेस कर रहा है एंड वो उस साइड फेस कर रहा है, तो गाइस यहाँ पे जो मतलब जो भी है गाइस ये फॉक्स वगैरह जो भी ये मिस्ट्रियस चीज है, ये गाइस दोनों साइड मतलब अपोजिट साइड दोनों फेस कर रहे हैं, ये गाइस आप लोगों को ध्यान रखना होगा एंड गाइस अगर आप भी आते हो आप भी देख सकते हो गाइस ये चीज। मेरे को गाइस ये बहुत ही ज्यादा डरावना एंड भयानक चीज लगा कि मतलब ये एक्चुअली में है कि आज तक गाइस मैंने देखा तक नहीं था, बट गाइस जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया मैंने यहाँ पे गया एंड गाइस मैंने देखा कि हाँ यार ये चीज बहुत ही ज्यादा एक भयानक चीज दिखा रहा है मेरे को। फैक्ट नंबर 1, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा डरावना है, अगर आप लोग इधर आते हो एंड इधर देखते हो तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा डरावना सा लग रहा है। अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये मतलब गाइस कुछ यहाँ पे बना हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है ये क्या चीज है। एंड हाँ गाइस ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया था, लेकिन गाइस जब मैंने इधर आया एंड मैंने देखा कि मतलब ये गाइस सबसे ज्यादा डरावना चीज लगा मेरे को। अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो ये एक्चुअली में चीज है क्या गाइस मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट गाइस हाँ कुछ तो मतलब लग रहा है यहाँ पे, इल्यूमिनाटी जैसा साइन लग रहा है गाइस, बहुत ही ज्यादा डरावना एंड भयानक जैसा लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो इसे पता नहीं चलता क्या चीज है। ये गाइस आप लोगों को कोटोरिस्टिया में मिल जाएगा पिलर के अंदर, आप लोग आना एंड गाइस इसे देखना ये चीज एक्चुअली में है क्या। एंड गाइस मेरे को एक और मिस्ट्रियस चीज लगा, जो कि ये आप लोग देख सकते हो, ये भी क्या चीज है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा मतलब पिलर के अंदर गाइस कुछ मिस्ट्रियस जैसा छुपा हुआ है, बट मेरे को एक्चुअली में आइडिया नहीं हो रहा है कि ये चीज है क्या। ये भी एक मिस्ट्रियस चीज है, ध्यान से देखो गाइस ये चीज क्या लग रहा है आप लोगों को, मतलब ये जो है गाइस बहुत ही ज्यादा कुछ लग रहा है एंड गाइस आप लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ जैसा है मेरे को, यहाँ पे कुछ लग रहा है कि यहाँ पे गाइस कुछ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ जैसा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ वर्ड का साइन जैसा नहीं आ रहा है गाइस मेरे को तो दिख रहा है, बट गाइस आप लोगों को पता नहीं, अगर आप लोग इधर आओगे तो आप लोगों को भी देख सकते हो गाइस ये चीज एक्चुअली में है क्या, बट गाइस यहां पे कुछ तो लिखा हुआ है बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं एक्चुअली। तो आप लोग भी इधर जरूर से आना एंड गाइस ये चीजों को देखना एंड एक्सपीरियंस करना एंड मेरे को बताना गाइस अगर आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में एंड गाइस क्या चीज हो सकता है। हां, जो भी बंदे अगर अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्वयं इस लाइव, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उधर हम लोग करने वाले लाइव स्ट्रीम एंड आप लोगों के साथ खेलने वाला हूं उधर में, तो याद से उसे सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड